नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट रडार, हमारा खास शो जहां पर हर रोज हम कंपनियों के मैनेजमेंट से बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आगे उनका कारोबार कैसा रहेगा, आगे कंपनी कैसा परफॉर्म कर सकती है। और मकसद हमारा यही होता है इस शो में कि एक नजरे आपको मिल सके कंपनी के बारे में और साथ ही उस इंडस्ट्री के बारे में जिसका ये हिस्सा है। आज कॉर्पोरेट डार में हम बातचीत करेंगे एक्शन कंस्ट्रक्शन से, मैनेजमेंट हमारे साथ मौजूद है, लेकिन पहले नजर डाल लेते हैं बाजार के हाल पर। और बाजार दिन के ऊपरी स्तरों पर मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है, निफ्टी 10840 के स्तर पर है। दरअसल सिंगापुर में किम जोंग और डोनाल्ड ट्रंप की जो मुलाकात है वो सफल रही है, जैसे अनुमान था उससे कहीं बेहतर ये बैठक रही है, और इसीलिए बाजार में जो मोमेंटम है सुबह का वो और मजबूत हुआ है। सेंसेक्स लगभग 150 अंक ऊपर है, निफ्टी बैंक में 100 अंकों का उछाल है और निफ्टी 53 अंकों की मजबूती के साथ 10840 के स्तर पर ट्रेड कर रहा है। ऊपरी स्तरों पर अभी भी भारतीय बाजार टिके हुए हैं, अच्छा मूव आज के सत्र में बना है। अगर आप देखेंगे आज के सेशन के स्पेसिफिक स्टॉक्स, स्पेशली निफ्टी के, जहां पर तेजी सबसे ज्यादा दिखी है, तो फार्मा स्टॉक्स लीड करते हुए लगातार तीसरा सेशन है जब फार्मा शेयरों में जोरदार खरीदारी बनी है। आज भी अगर आप निफ्टी के पहले 5 स्टॉक्स देखेंगे तो वो डिफेंसिव को बिलोंग करते हैं, ल्यूपिन, डॉक्टर रेड्डीज, आईटीसी, सिप्ला और सनफार्मा परफॉर्म कर रहे हैं। उसमें ग्रासिम है, पावरग्रिड है, भारतीय एयरटेल, टेक महिंद्रा, कोल इंडिया है, जो कि हल्की कमजोरी आज के सत्र में दिखा रहे हैं। लेकिन अब बात करेंगे कॉर्पोरेट रडार की, और हमने चुना है आज कॉर्पोरेट रडार में एक्शन कंस्ट्रक्शन को। दरअसल अगले साल देश में आम चुनाव होने जा रहे हैं और आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि सरकारें चुनावों से पहले इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कामों पर फोकस बढ़ा देती हैं। इंफ्रा पर फोकस बढ़ाने से इंफ्रा से जुड़ी कंपनियां फोकस में आती हैं, और इसीलिए हमारे साथ है एक ऐसी कंपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अपनी मशीनों से क्रांति ला रही है। हम बात कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड के बारे में, और इस कंपनी के मैनेजमेंट से आगे चर्चा करेंगे। लेकिन पहले आप देखिए कंपनी का अब तक का सफर। प्रगति को रफ्तार देने वाली सड़कें हों या फिर आसमान को छूती इमारतें, इन्हें बनाने में अपनी मशीनों के जरिए अहम योगदान देती है एक्शन कंस्ट्रक्शन। ये कंपनी 1995 से कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट बनाने के कारोबार में है। एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट मोबाइल क्रेन, टावर क्रेन, रोड इक्विपमेंट और एग्री इक्विपमेंट बनाती है। कंपनी 60 से ज्यादा तरह के कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट बनाती है और देश और विदेश मिलाकर कंपनी 100 से ज्यादा जगह पर कारोबार करती है। मोबाइल क्रेन और टावर क्रेन बनाने में एक्शन कंस्ट्रक्शन भारत की नंबर 1 कंपनी मानी जाती है। कंपनी अपने प्रोडक्शन प्लांट के जरिए सालाना 12,000 कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट और 9,000 ट्रैक्टर्स बनाने की क्षमता रखती है। एक्शन कंस्ट्रक्शन के पास 2700 से अधिक कर्मचारी हैं। मोबाइल क्रेन के कारोबार में कंपनी का मार्केट शेयर करीब 63% है, वहीं टावर क्रेन सेगमेंट में कंपनी के पास 60% का मार्केट शेयर है। कंपनी के ग्राहकों में रिलायंस इंडस्ट्रीज, एलएनटी और टाटा जैसी कंपनियां शामिल हैं। एक्शन कंस्ट्रक्शन ने अपने ग्राहकों के साथ साथ अपने निवेशकों का भी पूरा ख्याल रखा है। कंपनी ने अपने शेयरधारकों को शानदार रिटर्न दिया है। एक साल में निवेशकों को 128% का रिटर्न मिला है, वहीं 5 साल में रिटर्न 1115% रहा है, यानी शेयर में 1,00,000 रुपए लगाने वालों का पैसा 1,100,000 रुपए से ज्यादा हो चुका है। आज कंपनी के मैनेजमेंट से करेंगे बातचीत और जानेंगे कंपनी की आगे की विस्तार योजनाएं। और हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर प्रदीप शर्मा, जो कि प्रेसिडेंट हैं एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड के। प्रदीप जी नमस्कार, शुक्रिया आपने समय दिया जी बिजनेस को। सर, सबसे पहले तो एक जनरल आउटलुक आपसे लेना चाहेंगे, जिस क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं यानी इंफ्रास्ट्रक्चर से, उसको लेकर अपार संभावनाएं हैं, और ऐसा माना जा रहा है कि 2019 इलेक्शन का साल होगा तो उससे पहले सरकार का खास फोकस रहने वाला है, पिछले 3-4 सालों में काफी फोकस रहा भी है, तो आउटलुक यहां से कैसा है अगले एक साल का? बैकबोन ऑफ एनी नेशन्स इकॉनमी, व्हेन द नेशन इज बीइंग बिल्ट, तो इंफ्रास्ट्रक्चर से बड़ी कोई चीज नहीं होती। आज रोड्स, पोर्ट, रेलवेज, एविएशन, वाटरवेज, किसी भी क्षेत्र में आप देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट बहुत फास्ट हुआ है पिछले 2 साल में, और मेरे ख्याल से अगले 1-2 साल काफी इम्प्रूवमेंट दिखेगा यहां से भी जहां हम आज हैं। और उससे क्या होता है कि आपकी इंडस्ट्री, सीमेंट हो, पावर हो, स्टील हो, सभी में इम्प्रूवमेंट होता है, बिकॉज ये सारी चीजें जो है, जो भी इंडस्ट्री का जो है बेस है, वो सारे ही जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में किसी किसी सेंस में यूज होता है। हमारी इंडस्ट्री का जहां तक सवाल है, हम लोग कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट जो करते हैं, हैवी इक्विपमेंट, उसमें हमारा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बहुत लार्ज है। हम क्रेन्स बनाते हैं, हम बैकहोल बनाते हैं, कॉम्पैक्टर,
ग्रेडर्स, हम फोकलिस बनाते हैं, हमारे पास एग्री बिजनेस, ट्रैक्टर्स एंड हार्वेस्टर्स हैं. सो इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बढ़ेगा एक दो साल, मेरे ख्याल से हमारी कंपनी के लिए और हमारी इंडस्ट्री के लिए ये एकदम बून साबित होगा. बिल्कुल, आप जैसी कंपनियों के लिए तो डेफिनेटली आने वाला समय काफी बेहतर रहेगा. अच्छा, जो लेटेस्ट खबरें हैं एक्शन कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, मैं उसी से शुरुआत करती हूं. और हाल ही में आपने उर्सूस एसए के साथ एक एमओयू साइन किया है. उर्सूस एसए से अपने व्यूअर्स को हम बता दें, एक लीडिंग कंपनी है जो कि ट्रैक्टर्स, एग्रीकल्चर मशीनरी और इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स बनाने के कारोबार में है. तो जो ये एमओयू आपने साइन किया है, इसके थोड़े से डायनेमिक समझाइए, क्यों आपने ये साइन किया है, इससे क्या फायदा आपको पहुंचेगा? उर्सूस एक पोलिश कंपनी है जिसकी टेक्नोलॉजी मैसी फर्गुसन सेम है. इनकी टेक्नोलॉजी काफी एडवांस्ड है. हमने एमओयू साइन कर लिया है और डेढ़ दो महीने में हम इसको फाइनल शेप देंगे. एक बार फाइनल शेप देंगे तब आपसे जरूर बात करेंगे इन डिटेल की क्या क्या हम करेंगे. प्लान ये है कि हम इंडिया में उस टेक्नोलॉजी को यूज करके ट्रैक्टर्स बनाएंगे. उर्सूस के जो एक्सपोर्ट मार्केट्स हैं उनको भी हम एड्रेस करेंगे डिपेंडिंग ऑन एज द एमओयू इज फाइनलाइज्ड. प्रदीप जी, इस बार के नतीजे हम देख रहे थे और कंपनी की काफी शानदार परफॉर्मेंस रही है. मुनाफा कंपनी का कई गुना बढ़ा है, इनफैक्ट 10 गुना बढ़ा है. तो आपके जो दो मेन सेगमेंट है, मटेरियल हैंडलिंग और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, इन दोनों कारोबार का परफॉर्मेंस कैसा रहा है? और अगर इस फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो आउटलुक क्या है, कैसी परफॉर्मेंस जारी रह सकती है? जैसा मैंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर जब वृद्धि करता है तो हमारे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जितना है सभी सेगमेंट्स में वो इफेक्ट आता है. और वो इफेक्ट हमने क्रेन्स में भी देखा है, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में भी देखा है, मटेरियल हैंडलिंग में भी देखा है और एग्री बिजनेस में भी देखा है. हमारा लो बेस जो था कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में, वो अब आप देखेंगे कि हमारा जैसे जैसे बढ़ेगा सेल्स वॉल्यूम जो है वो बहुत काफी गुना बढ़ते जाएंगे, क्योंकि हमारा मार्केट शेयर इन फील्ड्स में अभी उतना नहीं है. जहां तक क्रेन्स की बात करूं तो उसमें हमारा 62-63% के करीब मार्केट शेयर है. क्रेन्स में हमारी है टावर क्रेन्स, मोबाइल क्रेन्स, ट्रॉलर क्रेन्स. सो हमारा पूरा एक पोर्टफोलियो में सारी टाइप की क्रेन्स हैं. क्रेन्स में अगर आप क्वार्टर फोर 2017-18 और क्वार्टर फोर लास्ट ईयर 2016-17 को कंपेयर करेंगे तो 10 गुना इसलिए दिखता है क्योंकि हमारे क्रेन्स में वॉल्यूम डबल हुए हैं. ये बात जरूर है कि कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, मटेरियल हैंडलिंग सभी में वृद्धि हुई है और काफी वृद्धि हुई है. उसकी वजह से, और उसका मेन रीजन क्या है कि जो हमारे मार्जिन्स पे जो दिखता है, हमारा केपेक्स जो है वो जरूरत नहीं है हमें ज्यादा कुछ बढ़ाने की. ये जो वॉल्यूम्स हमने किए हैं, अब हम क्रेन्स में 75% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में पहुंचे हैं. अगर आप मटेरियल हैंडलिंग या कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में देखें या एग्री बिजनेस में, वहां हमारा 40-50% पे है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन. सो हम अभी भी वॉल्यूम्स में काफी वृद्धि कर सकते हैं, बहुत कुछ केपेक्स की जरूरत बिना पड़े. उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा टॉप लाइन की जो ग्रोथ दिखाता है वो सीधा बॉटम लाइन में कन्वर्ट होती है और इसलिए आपको ये जो है फर्क इतने गुने का दिखता है. अच्छा सर, एक मार्जिन पर भी राय दीजिए. अब आपने खुद ही कहा कि आगे आपकी जो मुनाफा और आय का आंकड़ा है उसमें दमदार ग्रोथ दिखेगी, लेकिन मार्जिन जो है वो 10% के ऊपर अभी भी आपके बरकरार है. क्या यहां से और तेजी हम मार्जिन में देख सकते हैं और सुधार देख सकते हैं, या फिर ये आश्वासन आप दे सकते हैं कि एटलीस्ट आपके जो मार्जिन है वो 10% के ऊपर तो एटलीस्ट बने रहेंगे? देखिए, 2019 में अगर आप रेवेन्यू ग्रोथ देखें तो मेरे ख्याल से 35% के आसपास होनी चाहिए और भी ज्यादा हो सकती है, क्योंकि जैसे मैंने बोला हमारे सभी सेगमेंट्स में ग्रोथ दिखाई पड़ेगी. और वो जो है वो जब मैं 35% की ग्रोथ बोल रहा हूं रेवेन्यू में, तो क्रेन्स में तो जो वृद्धि है वो तो होगी, बाकी सेगमेंट्स में हमारी चौतरफा वृद्धि होगी. उसकी वजह से हमारा कम से कम 35% से 40% तक रेवेन्यू ग्रोथ होगा. अगर मैं एबिटा को देखूं तो उसमें भी हमारी वृद्धि होगी और आज जो 9% के करीब है वो 11-12% तक एबिटा पहुंचेगा. अच्छा, तो एबिटा 11-12% रह सकता है और रेवेन्यू में आपके या फिर आय में आपकी 35-40% की ग्रोथ इस साल के अंत तक आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं. अच्छा आउटलुक है आपका. एक चीज और समझना चाहेंगे, आगे के आपके और एक्सपेंशन प्लान्स क्या हैं? क्या कैपेसिटी और बढ़ाएंगे, कुछ और नए प्रोडक्ट्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड करेंगे, और जो एग्जिस्टिंग ऑर्डर्स हैं अपने प्रोडक्ट्स के वो कैसे हैं अभी?
देखिए हमें एक्सपेंशन तो करने की जरूरत शायद नहीं पड़े एग्जिस्टिंग कैपेसिटीज को, जैसा मैंने आपको बताया, पर जहां तक सवाल है ऑर्डर बुक का, हमारा इक्विपमेंट में ऑर्डर बुक जैसे अभी है, 1.5-2 महीने का ऑर्डर बुक हमारे पास है, हो सकता है और भी बढ़े, पर हमने जैसे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ाया है तो हमारी डिलीवरी भी उस हिसाब से फास्ट हुई है। हमारा क्रेन में जैसे मैंने बोला डबल हो गया है वॉल्यूम कंपेयर टू लास्ट ईयर, सो उससे क्या है कि ऑर्डर बुक फिर भी 1.5-2 महीने की रहती है। प्रोजेक्ट्स की तरह नहीं है कि ऑर्डर बुक हम कैरी करेंगे 1-2 साल एग्जीक्यूशन में जो टाइम लगता है, हमारा जो है इक्विपमेंट बेस है विच इज लाइक प्रोडक्ट सेल। चलिए शुक्रिया सर, आपने समय दिया जी बिजनेस को और बातचीत की, और शुभकामनाएं आपको आने वाले क्वार्टर्स के लिए। हालांकि एक अच्छी परफॉर्मेंस कंपनी की अब तक रही है, अगर आप स्टॉक का रिटर्न देखेंगे 1 साल का तो दमदार परफॉर्मेंस रही है। और मुझे याद है प्रभुदास लीलाधर ग्रुप का ये फेवरेट मिड कैप पिक होता था जब ये स्टॉक 40 रुपए के आसपास ट्रेड करता था, और अब ये 150 रुपए पर आ चुका है, तो एक